भाजपा सांसद वरुण गांधी क्या कांग्रेस में शामिल होंगे? इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। राहुल ने कहा, वरुण की विचारधारा अलग है और मेरी विचारधारा अलग, उन्हें यहां दिक्कत होगी। जरा राहुल गांधी का वरुण के लिए वो बयान सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए, वो बीजेपी में है, शायद अगर वो यहां चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। पिछले कुछ दिनों से वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हैं, लेकिन एक ही परिवार के दो लोगों में तनाव की वजह क्या रही? कैसे एक ही परिवार के दो लोग अलग अलग ध्रुवों या अलग अलग पार्टियों में बट गए? दरअसल इसकी शुरुआत हुई January 1980 में, जब इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी। परिवार एक सफदरजंग रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट हुआ, लेकिन दिसंबर 1980 में संजय गांधी की विमान हादसे में मौत के बाद सब कुछ बदल गया। मेनका की उम्र उस वक्त बमुश्किल 25 साल थी। संजय की विरासत राजीव के हाथ में जा रही थी। इंदिरा और मेनका छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते थे। खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अनबन इतनी बढ़ गई कि दोनों का एक छत के नीचे साथ रहना मुश्किल हो गया। 1982 में मेनका ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। मेनका की दिलचस्पी राजनीति में थी, ये बात किसी से नहीं छिपी थी, मगर इंदिरा को सोनिया ज्यादा भाने लगी थी। खाने के मेन्यू से लेकर साड़ी चुनने तक में इंदिरा सोनिया से मदद लेती थी। उस छोटे घर के भीतर गांधी परिवार में बड़ी दरारें पड़ने लगी। सोनिया को सास से मिल रही तरजीह मेनका की समझ से परे थी। 1980 में संजय गांधी की अचानक से मृत्यु के बाद टकराव बढ़ गया। 1982 आते आते नौबत यहां तक आ गई कि मेनका को घर छोड़ना पड़ा। उसी दौर का एक किस्सा है जो बीके नेहरू के सामने हुआ। सोनिया गांधी की जीवनी लिखने वाले रशीद किदवई के मुताबिक, अंडा ठीक से फ्राई नहीं होने पर संजय ने सोनिया को खूब सुनाया। बीके नेहरू ने अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकंड में 12 वेलिंगटन क्रिंसेट वाले घर के बारे में लिखा है। सोनिया कुक थी, मेनका केवल खाती थी। इंदिरा के दो बेटे और उनकी बीवियों के बीच निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक नहीं था, ये कोट अनकोट किया हुआ है उनकी किताब में। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने भी राजीव और संजय में अनबन का जिक्र किया। 12 वेलिंगटन क्रेसेंट वाले घर में सोनिया और इंदिरा काफी करीब आ गए। सोनिया अक्सर खान मार्केट में सब्जियां खरीदने दिख जाती। घर के पीछे वो ब्रोकली उगाने लगी थी। इंदिरा कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रही थी, मगर सोनिया की तारीफ करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी, और यही बात मेनका को पसंद नहीं थी। सोनिया के प्रति इंदिरा का ऐसा तरजीही रवैया मेनका को रास नहीं आया। आखिर वो भी सूर्या मैगजीन के जरिए सास की मदद कर रही थी। लेकिन क्या हुआ था 40 साल पहले कि उस रात जब अचानक मेनका गांधी अपने 2 साल के बेटे वरुण गांधी को गोद में लेकर इंदिरा गांधी का घर छोड़कर आधी रात को चली गई। 1980 में संजय गांधी के विमान हादसे में मौत के बाद सब कुछ बदल गया। संजय गांधी ने मध्यावधि चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट पर बंपर जीत दर्ज की थी। उनकी अचानक मौत के बाद इंदिरा टूट गई। किदवई लिखते हैं, संजय की मौत के लिए इंदिरा कभी खुद को जिम्मेदार मानती तो कभी मेनका को। विमान हादसे में एक बेटा गंवा चुकी इंदिरा अब राजीव गांधी पर दबाव बना रही थी कि वो फ्लाइंग करियर खत्म कर दे। राजीव ऐसा करने के मूड में नहीं थे, लेकिन मां के साथ रहने के लिए छुट्टी ले ली। उधर मेनका स्वाभाविक रूप से खुद को संजय के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देख रही थी। इंदिरा ने मेनका को अपना निजी सचिव बनाने का वादा भी किया था। मेनका की राजनीति में उतरने की सोनिया ने पुरजोर खिलाफत की। इंदिरा ने भी मेनका के बजाय राजीव को अमेठी से चुनाव लड़ाने का फैसला किया। मेनका को इससे ठेस पहुंची। बाद में उन्होंने कहा भी कि संजय की मौत के बाद इंदिरा और परिवार के बाकी सदस्यों का रवैया उनके प्रति बदल गया है। बकौल मेनका, मैं समझ गई कि मैं उनके लिए बस मेनका थी और कुछ नहीं। मेनका अपने दम पर राजनीति में उतरने की कोशिश में लग गई। 1982 में मेनका ने प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया। मेनका ने अगले साल अकबर अहमद के साथ मिलकर राष्ट्रीय संजय मंच नाम से पार्टी बना ली। इसी के साथ इंदिरा के घर में मेनका की वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। महज दशक भर पहले तक जो परिवार हंस खेल रहा था, खुशहाल था, अब बिखर गया, दो अलग अलग ध्रुवों में बट गया। फिर 1984 का लोकसभा चुनाव, मेनका गांधी ने राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से निर्दलीय लड़ा, लेकिन उन्हें हार मिली। इसके बाद 1988 में मेनका गांधी जनता दल में शामिल हो गई। 1989 में पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, सांसद बन गई।
1991 का चुनाव मेनका पीलीभीत से जनता दल के टिकट पर हार गईं। इसके बाद 1996 में वो दूसरी बार पीलीभीत से चुनाव लड़ी और जीत गईं। 1998 में मेनका निर्दलीय चुनाव लड़ी, फिर जीत गईं। बीजेपी के साथ मेनका गांधी का सफर शुरू हुआ 2004 में। मेनका बीजेपी के टिकट पर पीलीभीत से चुनाव जीत गई, फिर 2009 में आंवला सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद बनी। पीलीभीत से वरुण गांधी बीजेपी के टिकट पर उतरे और सांसद बने। 2013 में वरुण गांधी बीजेपी के सबसे युवा महासचिव बने। 2014 में फिर पीलीभीत से मेनका बीजेपी के टिकट पर जीती और वरुण सुल्तानपुर से जीतकर संसद पहुंचे। फायर ब्रांड नेता के तौर पर बीजेपी में कुछ समय तक वरुण गांधी तेजी से उभरे। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद के लिए भी वरुण गांधी ने जोर आजमाइश की। 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका की जगह पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट मिला और वरुण फिर सांसद बने। मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद चुनी गई, लेकिन पिछले कुछ समय से वरुण गांधी की बीजेपी से नाराजगी सबको पता है। वरुण गांधी लगातार अपने बयानों के लिए चर्चा में आते रहे हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी के लाल किले पर दिए गए बयान के बाद ठीक वैसा ही बयान वरुण गांधी ने भी दिया, जिसमें वरुण गांधी ने कहा था कि देश में कुछ लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। आपको बता दें, वरुण गांधी ने कहा था कि ना तो मैं नेहरू जी के खिलाफ हूँ और ना ही कांग्रेस के खिलाफ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।